हेलो गुड इवनिंग वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन आवर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज किरण कोल्थी बायोलॉजी एकेडमी हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स जो बच्चे लाइव देख रहे हैं इज माय वॉइस इज ऑडिबल चल तो एवरीथिंग इज ओके पुट योर नेम दो आर वाचिंग लाइव दिस सेशन पुट योर नेम इन द कमेंट बॉक्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन दिस चैनल यू आर गेटिंग अ इंटरेस्टिंग वीडियो Based on the syllabus of upcoming MSTCT and NEET exam. So, today also I brought one important video in front of you based on the chapter Reproduction in Lower and Higher Plants. So, this is the first chapter, this is a highly weighted chapter, and we are going to study the most expected MCQ from this chapter. Is it clear? ऑल द अपकमिंग एम सी क्यूज आर इम्पोर्टेंट फॉर यूर एम एस टी सी टी एंड नीट एग्जाम मेरे पैर बच्चों तो नीट एग्जाम और एमएस टी सी टी के लिए इम्पोर्टेंट एम सी क्यू वी आर गोइंग टू स्टडी एंड थ्रू दिस एम सी क्यू वी आर गोइंग टू रिवाइज द इम्पोर्टेंट टॉपिक चलो स्टार्ट कर दे आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल ऑन अवर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज अरण कोलते बायोलॉजी अकेडमी जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करो शेयर करो एंड कमेंट्स एंड विदाउट फेल सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर गेटिंग अ मोर वीडियो लेक्चर एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स आर गिवन जॉइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल एवरीथिंग बायोलॉजी एंड व्हाट्सएप ग्रुप द्रोना व्हाट्सएप ग्रुप टू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग ऑन दिस चैनल यू आर गेटिंग वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस ऑफ इलेवेंथ ट्वेल्थ बायोलॉजी का एंटायर सिलेबस के आपको लेक्चर मिलेंगे तो ऑल थियरी विल थेट ऑन अवर चैनल बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस ऑफ इलेवेंथ ट्वेल्थ एंड यू आर गेटिंग अ फ्री लेक्चर फॉर द क्रैश कोर्स फॉर नीट एंड एम एस टी सी टी एम एस टी सी टी और नीट के आपको क्रैश कोर्स के भी फ्री लेक्चर मिलेंगे जिसमें वी आर गोइंग टू कवर अटेंट टॉपिक थ्रू द इम्पोर्टेंट एमसी क्यू क्लियर चलो आगे चलते हैं बेस्ट ऑफ लक ऑल माइ डियर स्टूडेंट्स इन दिस टू लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ऑल द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर फाइव स्टार लेवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ट ऑफ लक लाइक शेयर एंड कमेंट एंड विदाउट फेल सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन टू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर माई लेक्चर फर्स्ट एम सी क्यू इज ऑन योर स्क्रीन देखो मेरे प्यार बच्चों वट इज द फर्स्ट एम सी क्यू मोटाइल स्पोर्स मोटाइल जू स्पोर्स तो जो स्पोर्स मोटाइल रहते हैं दो जो आर प्रोवाइडेड विथ द फ्लैजला और लोकोमोटरी ऑर्गन जिसके जो स्पोर के पास क्या है फ्लैजला है फ्लैजला क्या है फ्लैजला इज एक्ट एस लोकोमोटरी ऑर्गन तो ये क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन है तो इट इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर लोकोमोशन तो वो जो फ्लैजला जिस स्पोर्स के पास रहता है उस फ्लै स्पोर को हम क्या कहते हैं झूस्पोर्स कहते हैं तो स्पोर्स इन नेचर दोलाम कहते हैं जू स्पोर और दोज स्पोर्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद्लैजला जिनके पास फ्लैजला नहीं है इनको हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं तो उन्होंने पूछा है मोटाइल स्पोर जू स्पोर आप प्रोड्यूस बा क्वेश्चन आया था एम एस टी सी टी टू थाउजेंड सेवेंटीन वाला क्वेश्चन है तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एग्जाम एम एस टी सी टी टू थाउजेंड सेवेंटी तो करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन है क्लाइमेडोमोनोस पेनिसिलियम बैक्टीरिया एंड अमीबा देखो मेरे प्यारे बच्चों तो मोटाइल जूसपोअर्स आर प्रेजेंट इन क्लाइमेडोमोनोस क्लाइमेडोमोनो क्या है क्लाइमेटोमोनोस इज द वन एग्जांपल ऑफ अ फाइटो प्लैंटॉन तो ये क्या है फाइटो प्लैंटॉन है

तो ये डायग्राम किसका है ये डायग्राम है हिंट देता हूं मैं ये डायग्राम किसका है मेरे प्यार बच्चों दिस इज द डायग्राम ऑफ ईस्ट ईस्ट क्या है ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंजा है ये क्या है यूनिसेल्युलर फंजा है मेरे प्यार बच्चों ये क्वेश्चन आया था कर्नाटका सीईटी 2019 में यानी लास्ट ईयर नूर वेलकम जो बच्चे जो बच्चे पहली बार जुड़े लाइक करो शेयर करो कमेंट करो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जुड़िए हमारे साथ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप तो ईस्ट क्या है तो ईस्ट इज अ परफॉर्मिंग रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ अर्फॉर्मिंग बर्डिंग तो ये बर्ड कौन सा है दिस अ बर्ड इन द ईस्ट बर्ड हैज गेट प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द बॉडी सच अ टाइप ऑफ बर्ड्स आर कॉल्ड एज एक्सोजीनस बर्ड इसको हम क्या कहते हैं बर्ड कहते हैं तो बर्ड हैज गेट प्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द बॉडी तो ये क्या है दिस इज द करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर दिया है प्रणव गेव द करेक्ट आंसर नूर वॉट आंसर जो आंसर आपको सही लग रहा है उसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजना है करेक्ट आंसर है बर्डिंग तो दिस एम इज अ अल्ड एस जूसपोर हमको कहा दिखाई देते हैं क्लाइमैडोमोनोस में ये हमको क्लाइमेडोमोनोस में दिखाई देते हैं जेम्यूल जेम्यूल क्या है जेम्यूल इज अ वन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल बर्ड ये कहा दिखाई देता है इट इज अ सीन इन अ साइकॉन साइकॉन और स्पंजेस जो एक्वेटिक स्पंज होते हैं इनमें हमको क्या दिखाई देता है इंटरनल बर्ड दैट इज अम्यूल और कोनेडिया हमको कहा दिखाई देता है कोनेडिया विल गेट इन पेनीसिलियम पेनीसिलियम नाम का एक फिलामेंटस अलगी है फ्रॉम दीज पेनीियम क्राइसोजिनम वी आर ऑप्टेनिंग अ पेनीसिल एंटीबायोटिक चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू ऑन योर स्क्रीन या इज इन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज करते चलो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय बर्ड ये एमसीक्यू कब आया था दिस एमसीक्यू इज फ्रॉम द एम एस टी सी टी टू थाउजेंड सेवेंटीन एग्जाम तो एपी फाइल ब्लर्ड क्या होते हैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ इपी फाइल बर्ड एपी यानी क्या आबो फाइलस फाइलस यानी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों का मतलब है लीफ तो बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन अ लीफ सच बर्ड्स आर एज एपी फाइलस बर्ड फॉर एग्जाम्पल ये लीफ आपको याद रहेगा तो इट इज मोस्टली सीन इन अ प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल सर्क्यूलर प्लांट दो एंड अ लेदर लीफ तो ये लीफ कौन सा है दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम तो ब्रायोफाइलम का वर्नेक्युलर नेम दिया है ऊपर रिप्रोडक्शन इन द नॉर्थ रीजन नॉर्थ रीजन में क्या होता है इन द नॉर्थ रीजन वेरिस्टमैटिक टिश्यू इज अजेंट दैट अटोमैटिक टिश्यू गिव राइज अ बर्ड एंड दीज बर्ड्स आर गोइंग टू गिव राइज अटलेट इससे क्या बन जाते हैं नए प्लैटलेट बन जाते हैं

अनियन क्या है अनियन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम ये क्या है दिस इज द होल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम अलोंग अलोंग एज वेल अलॉन्ग अपाइकल बर्ड तो ऑनियन में क्या दिखाई देता है इट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम स्वीट पोटैटो में रूट से होता है रिप्रोडक्शन सोलन रूट्स रहते हैं इधर सोलन रूट्स सिंपल ट्यूबरस रूट्स रहते हैं स्वीट पोटैटो में पोटैटो क्या है इट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दैट इज कॉल्ड एज एसम ट्यूबर पोटैटो में क्या होता है स्टेम से रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टेम ट्यूबर और स्वीट पोटैटो में है ट्यूबरस रूट्स इज इट क्लियर चलो आगे चलते स्टॉक एंड सॉयन आर यूज इन ये जो स्टॉक और सायन है ये किधर यूज होता है तो ये एमसीक्यू आया था वेस्ट बंगाल के सीटी में इन द ईयर 2015 तो so, देखो स्टॉक एंड सायोन स्टॉक और सायोन किधर यूज होता है स्टॉक किसको कहते हैं द प्लांट विच इज प्रोवाइडेड विथ इट्स ओन अ सिस्टम जिस प्लांट के पास क्या है खुद की रूट सिस्टम है द प्लांट विच इज है ओन अ रूट इज क्लियर एंड ऑन दिस प्लांट वी आर गोइंग टू परफॉर्म अ ग्राफ्टिंग इसके ऊपर हम क्या यूज कर रहे हैं वी आर गोइंग टू इंसर्ट अल तो सायोन क्या है सायोन इज द पीस ऑफ स्टेम ऑप्टेन फ्रॉम अ अरियर प्लांट विच इज इंसर्टेड ऑन अ स्टॉक तो स्टॉक क्या है स्टॉक इज अ प्लांट पार्ट ऑन अ ग्राफ्टिंग इज अ डन जिसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टॉक कहते हैं एंड द पीस ऑफ स्टेम विच इज अड टू इंसर्ट ऑन अ स्टॉक दैट इज कॉल्ड सायोन हम सायन किधर से इज ऑप्टेन फ्रॉम एनी सुपेरियर वैरायटी ऑफ प्लांट विच इज अ प्रोड्यूसिंग अ गुड क्वालिटीज ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक इजी क्लियर ऑनियन सीड को ऑनियन सीड ही बोलते हैं तो करेक्ट आंसर क्या आएगा करेक्ट आंसर है ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग क्या है ग्राफ्टिंग इज अ आर्ट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू डिट पार्ट ऑफ पार्ट टूगेदर तो आफ्टर अ प्रॉपर ज्वाइनिंग बोध इज अ पार्ट दे विल ग्रो एज अल इंडिविजुअल दैट इज अल्ड एज ग्राफ्टिंग तो स्टॉक एंड बोथ आर यूज इन ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग है दिस इज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये क्या है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ है कटिंग कहा यूज करते हैं प्रोपोकेशन ऑफ रोज बोगन वेलिया एज वेल एज इन द ड्यूरटा एक्सेट्रा लेयरिंग भी क्या है एक प्रकार का ग्राफ्टिंग है टिश्यू कल्चर को हम क्या कहते हैं माइक्रो माइक्रोप्रोपोगेशन टिश्यू कल्चर में हम क्या यूज करते हैं इन अ टिश्यू कल्चर और इन अ माइक्रो माइक्रोपोपेशन

ग्राफ्टिंग चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू ऑन योर स्क्रीन ये डबल हो गया थिंक चलो कैम्बियम क्या है अगला एमसीक्यू कैम्बियम इज इसशियल फॉर ग्राफ्टिंग इन अ प्लांट बिकॉज कैम्बियम क्या है कैम्बियम दो तरह का होता है एक होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और दूसरा क्या है इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम इंटर एंड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम

इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दैट इज कॉल्ड एस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम तो ये कैम्बियम क्या है इट इज अट्रिप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू यह क्या है किसका मेरिस्टमैटिकॉल्ड वेन वी आर गोइंग टू इंज्योर दिसरिस्टेम तो क्या होता है इट इज गोइंग टू डेवलप अल्स इससे क्या नए सेल्स बनते हैं एंड दीज न्यू सेल्स और कैलेस इट हेल्प टू ज्वाइन दू ब्रोकन एंड ऑफ स्टॉक एंड सायन इज इज क्लियर या कैम्बियम ओनली प्रेजेंट इन अ डायकॉट ये क्या होता है इट इज ओनली इन अ इनकॉट एंड द ग्राफ्टेज ग्राफ्टिंग इज ओनली पॉसिबल इनकॉट तो कैम्बियम इज इशियल फॉर ग्राफ्टिंग इन प्लांट्स ये एमसीक्यू आया था 2018 वाले एग्जाम में तो कैम्बियम इज इसेल व्हाट इज द रोल ऑफ कैम्बियम तो कैम्बियम का रोल है कैम्बिया ऑफ बोथ स्टॉक एंड सायन फ्यूज टुगेदर तो ये कैम्बिया क्या करता है इट इज टू अब स्टॉक एंड इज इट क्लियर गॉट यस और नो समझ में आ रहा है मेरे पैर बच्चों चलो आगे चलते हैं डैश डैश इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड चीप मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोकेशन सबसे सस्ता और सबसे इजी और कन्वीनियंट मेथड कौन सा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोकेशन का Artificial method of कौन कौन से ये है कटिंग इसके बाद है बडिंग इज टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग कहेंगे टिश्यू कल्चर इसके बाद क्या है Tissue culture. इसके बाद layering भी लेट्रा तो दीज आर द डिफरेंट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेर प्रोकेशन वेजिटेड प्रोपोकेशन किसको कहते हैं

तो इसमें से सबसे सस्ता और कन्वीनियंट कौन सा है करेक्ट तो करेक्ट आंसर इज कटिंग प्रणव गेव द करेक्ट आंसर तो करेक्ट आंसर है मेरे पैर बच्चों कटिंग ग्राफ्टिंग बर्डिंग एंड माइक्रो प्रोडक्शन सबसे महंगा कौन सा है कॉस्टली द कॉस्टली मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन दैट इज अक्शन ये क्या है कॉस्टली है बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग ये क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है कटिंग क्या है सबसे कम समय लगता है इजी है एंड चीप मेथड है किसका आर्टिफिशियल मेथड ऑफ मेथडिटिव प्रोपोगेशन का चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो वी हैव टू फाइंड आउट अ रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव प्रोपोकेशन जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन द प्रोपगेशन विच इज अ टेक्स प्लेस प्रोपोगेशन यानी क्या है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय यूजिंग अ वेजिटेटिव पार्ट दैट इज कॉल्ड एस प्रोपोगेशन तो ये क्वेश्चन आया था उजेंड एटीन में तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज इजी एंड चीपर ये इजी और चीपर होता है क्या या तो ये करेक्ट है रैपिड मेथड है क्या प्रोपोगेशन का हाँ तो इट इज अ रैपिड मेथड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विल गेट अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाई यूजिंग अ पीस ऑफ लीव पीस ऑफ अ स्टेम और पीसेस ऑफ रूट production of genetically similar plant whatever a new plantlets has get produced by using this vegetative part they all are going to become a similar with their parent 100% वो क्या रहेंगे genetically similar रहेंगे with their parents तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट तो डिसिमिलर प्लांट कहां से बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट बनेंगे जिसको हम क्या कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं तो दीज ऑफ दे आर गोइंग टू शो वेरिएशन तो डिसिमिलर प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोकेशन से बनेंगे क्या नहीं बनेंगे तो देर फोर दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट विध रिस्पेक्ट टू वेजिटेटिव तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन चलो प्रणव गए तो करेक्ट आंसर नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव वेजिटेट नेचुरल मेथड कह रहे हैं तो वॉट दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल मेथड ऑफिटेबल प्रोपेगेशन रनर स्टेम ट्यूबर फॉलियर बर्ड या ग्राफ्टिंग रनर रनर दिखाई देता है रनर इज सीन इन अ प्लांट लाइक साइनाडॉन जिसको हम क्या कहते हैं साइनाडॉन बारबेरी और लॉन ग्रास इट इज सीन इन अ प्लांट लाइक ऑक्सालिस स्टेम ट्यूबर हमको कहा दिखाई देता है पोटैटो में पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है सोलान ट्यूबरोसम ग्राफ्टिंग एंडियर बर्ड फॉलियरबर्ड कहा दिखाई देता है ब्रायफाइलम में तो यह सारे क्या है तो रनर स्टेम ट्यूबर एंड फॉलियरबर्ड यह सारे क्या है नेचुरल मेथडिटेट प्रोपोकेशन के तो करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन डी दैट इज अ ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग क्या है ग्राफ्टिंग इज अ वन मेथड ऑफ वन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपकेशन तो यह क्या है दिस इज अर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोकेशन वाई टू परफॉर्म अ ग्राफ्टिंग देर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ मैन इज क्लियर या कारण ह्यूमन बीइंग लगते हो बे चलो आगे चलते नेक्स्ट एमसीक्यू मैच द कॉलम कंसिडरिंग मोड ऑफ अशुअल रिपोडक्शन मैच द कॉलम वन विथ अ कॉलम टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इधर कॉलम वन में क्या दिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉलम टू में क्या दिया है उनके अ सेक्शुअल रिपोडक्शन के मेथड दिए ियम इज द फिलामेंटस, फिलामेंटस अलग ले लो फॉर एक्साम्पल फायर क्लाइमेट क्या है इट इज वन एग्जाम्पल ऑफ फाइटो तो ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है बोलो मेरे पैरों जल्दी जल्दी करो और नो करेक्ट आंसर क्या आएगा ये क्वेश्चन आया था 2015 में कब आया था ये? एमएसटी सी टी टू थाउजेंड फिफ्टीन वाला क्वेश्चन ईस्ट इज अ गोइंग टू रिप्रोड्यूस बाई मीन ऑफ एंड प्रोड्यूसिंग कोनेडिया जो मैंने कहा था करेक्ट पेनीसिलियम इज गोइंग टू प्रोड्यूसर सॉरी ईस्ट कैसे ये नहीं है देखो मैंने ही गलती कर दी तो इसको हटा देते हैं तो करेक्ट आंसर क्या आएगा देखो तो ईस्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस परफॉर्म रिप्रोडक्शन बाय परफॉर्मिंग ए बर्ड पेनीसिलियम क्या कर रहा है पेनीसिलियम इज गोइंग टू प्रोड्यूसर कोडिया फिलागमेंटेशन और गोइंग टू प्रोड्यूस फोर तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इज क्लियर चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइम सी यू ऑन योर स्क्रीन विच आर द फॉलोइंग वॉल लेयर ऑफ एंथर शोज अ फाइबर थी ऑफ कैलोस अगर मैं डायग्राम बनाता हूं किसका एंथर का तो ये है रफ आउटलाइन एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द एंटायर डायग्राम ये ऐसे नीचे क्लियर द आउटर मोस्ट लेयर दर्मी अगर क्या है एपिडर्मीज है बिलो द एपिडर्मीज देर इज एन वन अर ऑफ फ्लैट विच इज अ प्रोवाइडेड विथ अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर थिकनिंग धीस लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथियम

इन डायथिकस एंथर फोर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट इंटरनलीज लाइन बायम स्पेशल टाइप ऑफ पिरा दे टू प्रोड्यूसर इसके अंदर क्या है मास ऑफ डिप्लोइ पैरेंटस टिश्यू इज प्रेजेंट दैट इज असोरोनस टिश्यू इसको हम क्या कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू इट इज अज अर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे पोलन ग्रेन बनेंगे इज क्लियर एंड इन बिटवीन दीज एंडोथेशियम एंड पोलन सैक क्या से वन टू थ्री लेयर्स ऑफ लूजली सेल्स आर प्रेजेंट दे आर कॉल्ड एस मिडल इसको हम क्या कहेंगे मिडल लेयर कहेंगे तो हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है या टैपेटम इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट इज क्लियर तो उनको नर्व सेल भी कहते हैं तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन उन्होंने पूछा है फॉलोइंगो फाइबर थी कैलोस मैंने कहा था कौन सा है एंडोथेशियम वो वो तो यह देखो ये एंडोथेशियर लेड विदेशल टाइप ऑफ फाइबर तो वो लेम इज क्लियर चलो प्रथमेश वेलकम प्रथमेश वेलकम आई थिंक यूर फर्स्ट टाइम ऑन अवर लेक्चर जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं लाइक like करो शेयर करो कमेंट करो लाइक शेयर आवर वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स प्लस सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन स्टे होम स्टे सेफ एंड ऑलवेज बी यर मास्ट टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर फ्रॉम द कोविड नाइनटीन इज क्लियर एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप ग्रुप गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर माई अपमिंग लेक्चर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन तो क्या है इट इज अलर यूनि न्यूक्लियर है सर्कुलर ट्रेंगुलर और लाइक इट इज अ कवर्ड बाइन एंड इनर वन इजाइन इसके अंदर क्या है साइटोप्ला है इन द सेंटर है डायग्राम किसका है पोलन ग्रेन का है तो हमको पूछा है पोलन ग्रेन डेवलप फ्रॉम डैश डैश ऑफ एंथर एपिडर्मी एंडोथिसियम टैपेटम या स्पोरोजिनस टिश्यू से तो मैंने इधर आंसर दिया था

डी एट द टाइम ऑफ मैच्यूरिटी टैपेटम क्या करता है टैपेटम इज अ गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट किसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज क्लियर अलॉन्ग विदेटम इज अल्प टू प्रोड्यूस अ स्पोरोपोलिन स्पोरोपोलिन कौन बनाता है टैपेटम बनाता है अलॉन्ग विदेटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ एंजाइम कैलेस कैलेज एंजाइम का प्रोडक्शन भी कौन करता है टैपेटम करता है मेरे प्यारे बच्चों चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू ऑन योर स्क्रीन द वॉल ऑफ पोलन ग्रेन क्या कहा है ये है वॉल पोलन ग्रेन सॉरी वॉल ऑफ पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ पोलन ट्यूब क्या है पोलन ट्यूब इज द आउटग्रोथ ऑफ इंटाइन तो ये अगर मेरा इंटाइन है तो व्हेन डी पोलेंग्रेन आज गेट डिपॉजिट ऑन डी सरफेस ऑफ स्टिकमा, दे आर गोइंग टू एब्सोर्ब शुगरी सब्सटेंस फ्रॉम डी सरफेस ऑफ स्टिकमा, एंड ड्यूटो कंटिन्युअसली एब्सोर्शन ऑफ शुगरी सब्सटेंस, क्या होता है? इन्साइड इन डी पोलेंग्रेन, ड्यूटो कंटिन्युअसली इंडोसोमसिस, डी टर्गर प्र पोलंग्रेन इज अगो टू एब्सॉ शुगर तो क्या होता है एंट गेट कम आउट थ्रू वन ऑफ द जम्पोर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल आउटग्रोथ दैट इज अड एस पोलन ट्यूब तो हमको इधर क्वेश्चन में पूछा क्या है वॉट डे आस्क इन दिस क्वेश्चन तो इन्होंने इधर पूछा है द वॉल ऑफ अ पोलन ट्यूब इज मेडअप ऑफ वॉट तो पोलन ट्यूब इज अ डिराव फ्रॉम वॉट

और इन एग्जाइन वेर एग्जाइन इज ऑल टूगेदर एप्सेंट फॉर एग्जाम्पल ये जो बाहर का स्पाइनी ऑर्नामेंटेड मैंने बनाया है ये क्या है आपका एग्जाइन है एंड एट प्लेसेस प्लेस एग्जाइन सम अपर आर प्रेजेंट इज अपरचर्स होल्स वेर एग्जाइन इज ऑल टूगेदर एप्सेंट दैट इज अड एस जर्म पोवर एंड पोल ट्यूब इज गोइंग टू कम आउट थ्रू वन ऑफ द जम पोअर प्रेजेंट ऑन एग्जाइम इलियर द जर्म ओर इन दोलंग्रेन आर द रीजन डैश डैश ये आया था एमसीक्यू कर्नाटक में देखो विच आर मेडअप ऑफ लिगन एंड सुबेरिन ये करेक्ट है क्या नहीं तो जर्म और क्या है जर्म और खाली स्पेसेस है तो ये रॉन्ग है दैट कैन विस्टैंड एट अचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एनल ये है आपका स्पोरोपोलिन Which lack ये है क्या विच लैकोलिन थ्रू विच स्पर्म आर रिलीज इन टू दीमेलोट यह भी करेक्ट आंसर क्या आएगा विच लैकोरोन तो यह क्या है दीज आर दैप्स और अपरचर ऑन एग्जाइन ये क्या है मेरे पैर बच्चों जम्पोर क्या है दीज आर द और एग्जाइन इज अ अप ऑफ पोरोपोलिन अगर ये एग्जाइन के ऊपर ओपनिंग ओपनिंग जो है उनको हमने कहा है जम तो जंप और क्या है दीज आर दिज नॉटेड विथ एक्साइन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन द एग्जाइन ऑफ पोलंग्रेन इज अप ऑफ ये बहुत बार हुआ है ये कब आया था दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द पेपर एमएसटी सी टी टू थाउजेंड एटीन ये 2018 का क्वेश्चन है मेरे पैर बच्चों तो एग्जाइन ऑफ पोलग्रेन इज मेड अप ऑफ बहुत बार हुआ ये किससे बना है, है? काइटिन से स्पोरोपोलिन से सेल्यूलोस से या सेल्यूलोर से क्या करेक्ट आंसर तो प्रणव के करेक्ट आंसर प्रथमेश बच्चे लाइव देख रहे हैं पुट योर नेम इन द कमेंट बॉक्स तो करेक्ट आंसर है स्पोरोपोलिन

Grain from physical and biological decomposition. ये आया था नीट 2018 का का? क्वेश्चन क्वेश्चन है। है कौन सा है? नीट 2018 का. Oil content, entine, pollen kit या pollen kit क्या होता है मेरे बच्चों? होता है स्टिकी सब्सटेंस ये भी कौन प्रोड्यूस करता है तो ये होता है स्टिकी सब्सटेंस इट इज सीन इन इंसेक्ट एंड बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर इंसेक्ट और बर्ड पॉल फ्लावर में हमको दिखाई देता है इट इज अल्लो इन कलर ऑयल कंटेंट सेल्यूलॉजिक इंटेन स्पोरोपोलिन तो करेक्ट आंसर है स्पोरोपोलिन स्पोरोपोलिन इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डी कंपोजिशन तो यह क्या कर रहा है इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डी कंपोजिशन इज क्लियर चलो आगे चलते नेक्स्ट टाइम सीख्यूनियो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है नॉट अ ट्रू पूछा है हमको यह ध्यान से पढ़ो नॉट अ ट्रू या तो है एंड करेक्ट पढ़ना फॉर द प्रीवियस वन तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ये कब आया था नीट 2016 सिक्सटीन का क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों ये कब आया था नीट 2016 वाला क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर क्या है बहुत या? या, सारे पोलंग्रेन जो अलग अलग स्पेसीज के हैं तो वो क्या करते हैं सीवियर एलर्जी एलर्जी क्या रहती है एलर्जेंस कुछ भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है वो रेन भी हो सकती है वो स्मेल भी हो सकता है वो सनलाइट भी हो सकती है डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं स्मेल हो सकता है नेल पेंट हो सकता है कुछ भी एनी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर विच इज गोइंग टू स्टिम्युलेट योर बॉडी टू शो अ सीवियर रिएक्शन दैट इज अ कॉल्ड एज एलर्जी क्लियर तो पोलन पोलंग्रेन ऑफ अ मेनी स्पीसी कॉज सीवियर एलर्जी ये करेक्ट है स्टोर ग्रेन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज इन अ क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम या तो वी आर गोइंग टू स्टोर अ पोलन ग्रेन इन अ लिक्विड नाइट्रोजन एट माइनस वन नाइनटी सिक्स डिग्री सेल्सियस दैट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन वेन वी आर गोइंग टू स्टोर एनी मटेरियल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ लिक्विड नाइट्रोजन उसको हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन इसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन इसी क्लियर तो ये भी करेक्ट है टैपेटम हेल्प इन डीआईसेंस ऑफ एंथर टैपेटम मदद करता है क्या नहीं द एंडोथेसियम हेल्प इन डीआईसेंस ऑफ एंथर एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन ये भी क्या है करेक्ट है तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है द रॉन्ग स्टेटमेंट इज द टैपेटम हेल्प इन डीआईसेंस ऑफ एंथर टैपेटम नेवर हेल्प इन डीआईसेंस ऑफ एंथर टैपेटम क्या करता है इट इज गोइंग टू प्रोवाइड ए नरिशमेंट इसके बाद इन एंजियोस्पर्म्स नेक्स्ट एमसीक्यू की देखो मेरे प्यारे बच्चों इन एंजिओस्पर्म अ मेल गैमेटोफाइट इज डेवलप्ड फ्रॉम अ पोलन मदर सेल बाय तो हमको उन्होंने क्या पूछा है मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट क्या है अ मेल गैमेटोफाइट इज अ स्ट्रक्चर तो ये मेल गैमेटोफाइट है इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज हैविंग अ पोलन ग्रेन विद अ पोलन ट्यूब एंड दिस पोलन ट्यूब इज प्रोवाइडेड विद अ वन ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट तो इट इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रोवाइडेड विद अ टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट दोज आर प्रेजेंट इनसाइड इन दोलन ट्यूब एंड एटीप अ ट्यूब न्यूक्लियस इज अ प्रेजेंट इसको हमने क्या कहा है मेल गैमेटोफाइट कहा तो ये जो मेल गैमेटोफाइट है इट इज अ गोइंग टू गेट अ प्रोड्यूस फ्रॉम अ माइक्रोस्पो पोलंग्रेन पर पोलंग्रेन हमको पूछा क्या है इन एंजोस्पमेल गैमेटोफाइट इज अ डेवलप फ्रॉम पोलन अ मदर सेल

वन फर्स्ट माइटोसिस इससे जब ये इसमें एक माइटोसिस होगा तब क्या होगा एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बनेगा जेनरेटिव सेल अंडर गो सेकंड माइटोसिस इट गिव अ टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स तो करेक्ट आंसर क्या आएगा एक मियोसिस और दो माइटोसिस तो करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों फ्रॉम

पोलन ग्रेन दिया है पोलन ग्रेन क्या है हैप्लॉयड है वो क्या कह रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट इन अ पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म इन्वॉल्व पोलन ग्रेन क्या होता है पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ वन जनरेटिव सेल एंड वन वेजिटेटिव सेल तो दिस जनरेटिव सेल अंडरगो सेकंड माइटोसिस एंड इट गिव राइज टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट इट्स से क्या बनेंगे दो मेल गैमेट्स बनेंगे stage in majority of तो उधर पहला हो हो चुका है। पहला mitosis हो चुका है. है. पहला अभी उसके पास क्या है Pollen grain के पास एक generative cell है और एक वेजिटेटिव सेल है तो ग्रेन से जब दो मेल गैमेट बनेंगे तब कितने कौन से टाइप के डिवीजन होंगे तब होगा ओनली वन माइटोटिक सेल डिवीजन ये एम आके गया है मेरे पेरेंट्स में जो बच्चे नए हैं ऑन दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम शेयर करो लाइक करो कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो एंड जुड़िए हमारे साथ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज विथ आवर व्हाट्सएप ग्रुप द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चलो नेक्स्ट एम सी अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलन तो पोलन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट वी हैव टू चूज़ द करेक्ट वन हमको क्या सिलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट करना है। देखो मेरे बच्चों। इंटाइन इज अफ पेक्टिन इन सॉरी इंटाइन इज मेडअप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन एंड इट इज अंटिन्यूस विद ये करेक्ट है क्या नहीं है तो

टू मेल गैमेट्स एंड वन वेजिटेटिव सेल तो कितने सेल है इधर एक दो तीन तो so, इसको थ्री सेल स्टेज तो यह कहा प्लांट लाइक ऑर्किड तो स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट देयर फॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट इज क्लियर चलो नेक्स्ट वन इफ देयर आर ट्वेल्व हंड्रेड ए माइक्रोस्पोर्स इन टेट्रालॉक्युलर एंथर कितने हैं 1280 सो अस्सी मजे बाराशे ऐसी माइक्रोस्पोर्स है बाराशे ऐसी का है पोलंग्रेन और माइक्रोस्पोर इन अ टेट्रालॉक्युलर एंथर यानी ये जो अगर मेरा टेट्रालॉक्युलर एंथर है, ये है तो ये 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 सारे मिला के कितने है? 1280 हैं 1280 हंड्रेड एट्टी पोलंग्रेन्स आर दे हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल तो चार है न? तो चार एटी डिवाइडी थ्री ट्वेंटी तो हरे थ्री ट्वेंटी पोलंग्रेन इन पोलन सैक हमको पूछा क्या है हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल तो अभी थ्री ट्वेंटी पोलंग्रेन आर देयर इन सैक एक एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने ग्रेन बनते हैं फोर ग्रेन तो वी हैव टू डिवाइड दिस थ्री ट्वेंटी बाय फोर कितना आएगा एट्टी आएगा ना तो so एट्टी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स सेल से आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पोलन सेक्ट तो करेक्ट आंसर क्या आएगा द करेक्ट आंसर इज 80। गॉट इट समझ में आ रहा है चलो आगे चलते हैं टोटल ऑफ वन सिक्सटी एट पोलंग्रेन विथ फोर्टीन क्रोमोजोम्स a total of 168 pollen grain with a 14 chromosome in each a pollen grain are released from the mature microsporangium mention the correct ratio of a pollen mother cell to हमको किसका रेशियो मेंशन करना है pollen mother cell का generative cell का vegetative cell का and male gametes का produced by microsporangium इधर इन्होंने जो नंबर दिया है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है we have to find out c पोलन मदर सेल एक पोलन मदर सेल है वन पोलन मदर सेल तो पोलन मदर सेल क्या रहती है माइक्रोस्पोर मदर सेल एक पोलन मदर सेल से यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं चार तो पोलन मदर सेल एक है इससे चार पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होंगे एक से इसकी हमको उन्होंने क्या पूछा है पोलन मदर सेल जनरेटिव सेल एक पोलन मदर सेल से कितने जनरेटिव सेल बनेंगे एक पोलन में दो क्लियर? तो एक पोलन ग्रेन में क्या दो है तो चार में कितने जनरेटिव सेल आएंगे फोर इंटू टू कितना आया एट आया क्या नहीं तो इधर रेशो आएगा आठ तो इधर हम लिखेंगे वन पोलन मदर सेल एज टू एट जनरेटिव सेल जितने जनरेटिव सेल है उतने ही क्या हो गए वेजिटेटिव सेल हो गए ना तो आठ वेजिटेटिव सेल और मेल गैमेट कितने होंगे एक ग्रेन से यानी आठ जनरेटिव सेल एक मदर पोलन मदर सेल से चार ग्रेन और हर एक पोलन ग्रेन से कितने आएंगे दो मेल गैमेट टू मेल गैमेट फ्रॉम ईच एंड एवरी पोलन ग्रेन तो कितना आया फोर टू एट तो इधर रेशियो क्या आएगा एट आया मिनट इधर आएगा चार एक मिनट एक मिनट इधर गलती हो गई एक पोलर मदर सेल उससे चार पोलर ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो चार जनरेटिव सेल और चार वेजिटेटिव सेल और हर एक जनरेटिव सेल से दो मेल गैमेट इसकी वजह से क्या हो रहा है एट तो रेशियो क्या आएगा वन एस टू फोर एस टू फोर एस टू एट इज क्लियर गॉट इट समय आ गया चलो तो जो बच्चे लेट जुड़े थे सीधा एंटायर रिकॉर्डेड सेशन और क्या करो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है In the description box for getting a notification for my upcoming lecture and join our WhatsApp group also to get the notification for upcoming lecture. Thank you very much. See you in the next lecture. Bye bye. Have a nice remaining day. See you tomorrow. Tada! Have a nice remaining day. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe for more videos based on the entire syllabus of MHT-CET and NEET chalo bye bye have a nice remainder day and in